आज हम मेरी मम्मी का हेल्प करेंगे क्लीन और डेकोरेशन करने के लिए, क्योंकि रमजान आ रहा है। आप सबको रमजान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मेरे बच्चों ने आपको बता ही दिया, आज हम लोग क्या करने वाले हैं इस व्लॉग में, हम लोग कर रहे हैं घर की क्लीनिंग और डेकोरेशन, क्योंकि आ रहा है रमजान। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा डेकोरेशन किया जाए। तो मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या हम लोग डेकोरेट कर रहे हैं और फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। तो इसी तरीके से आप मेरा वीडियो देखते रहिए, पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से मैं बोलूंगी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मैं बोलूंगी कि आप सबको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो, आपका यह रमजान खुशियों भरा हो। तो देखिए मेरे बच्चे मेरी हेल्प कर रहे हैं। सो ये छोटी वाली बेटी ये ड्रेसिंग टेबल का मिरर क्लीन कर रही है। बब्बू सी हियर, आप कैसे क्लीन कर रहे हो? बब्बू कैसे क्लीन कर रहे हो? कैसे ऐसे। अच्छे से करो। ओके यस। क्लीन हो गया? क्लीन हो गया? अभी थोड़ा है। ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिए। ओके वाओ नाइस। कैसे क्लीन कर रहे हो? दिखाओ कैसे क्लीन कर रहे हो आप। ओके लाइक सर्कल वन। ओके एंड अप वन। अप वन आल्सो। ओके ओके इफ यू स्टैंड राइट हियर ओके यू विल बी हायर। ओके ओके यस। इफ यू आल्सो डू दैट यू गेट टू प्ले विद दिस। ओके बब्बू ये डस्ट है। ओके आप बहुत क्यूट लग रहे हो क्लीन करते हुए। आप बहुत क्यूट लग रहे हो, थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा मेरी छोटी वाली बेटी अंदर ड्रेसिंग टेबल का मिरर क्लीन कर रही थी, तो अभी ये मेरी बड़ी वाली बेटी बाहर जो हमारा यूटिलिटी एरिया है वहां पे जो ग्लास होता है, ग्लास डोर होता है, वो क्लीन कर रही है। तो इस तरीके से मेरे बच्चे मेरे घर की डेकोरेशन और क्लीनिंग में मेरी आज हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि रमजान आ रहा है और हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो सब लोग मिलके कर रहे हैं इसलिए काफी अच्छा लग रहा है। आप क्या कर रहे हो सोनू? मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। किस लिए? रमजान की क्या आ रहा है। ओके तो देखिए थोड़ा क्लीनिंग कर रहे हैं, मुझे भी थोड़ा पेंडिंग है, मुझे भी करना है साथ साथ में, क्योंकि बच्चे तो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो करके लास्ट में मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि क्लीनिंग और थोड़ा डेकोरेशन के बाद कैसा लग रहा है, ये व्लॉग में आपको दिखाती हूँ मैं। फ्रेंड्स ये सब लाइट्स जो हम लोगों ने ली थी, ये हम लोग अपने
यूटिलिटी एरिया और बालकनी में डेकोरेट करेंगे। ये सब मैं लगा के आपको फाइनल में दिखाती हूँ कि डेकोरेशन के बाद हमारा घर कैसा लग रहा है। तो होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा और आपको इस व्लॉग से आइडिया भी मिलेगा कि आपको कैसे रमज़ान की डेकोरेशन करनी है और आप लोगों ने किस तरह से अपने घर को सजाया है रमज़ान के लिए, ये भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हर किसी के अपने अपने आइडियाज़ होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं डेकोरेट करने के। तो मैंने देखी ये बड़ी सी लड़ ली थी फूलों की, जो मैंने सोचा है मेरे यूटिलिटी एरिया के बाहर लगाऊंगी कर्टन के साथ, जो काफ़ी सुंदर लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। आपके क्या आइडिया है उसके लिए मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। ये हमारी फैमिली फोटो है जो मैं यहाँ पे रखती हूँ टीवी के पास, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है देख के। ये मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट दी थी तो इसलिए मैं बिल्कुल सामने रखती हूँ ताकि कभी भी कोई भी आए तो उसकी नज़र भी पड़े। ये पूरा हैंडमेड फ्रेम है तो इसलिए एक ऐसा मेमोरेबल मैं इसको यहाँ पे सामने रखती हूँ। तो फ्रेंड्स हमारे ये बेडरूम की भी क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया दिखाया था हम लोग क्लीन करना स्टार्ट किए थे फर्स्ट इधर से ही। और ये मैंने नए कर्टन लिए थे रमज़ान की वजह से एक शॉप से, तो वो देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, मेरे इंटीरियर के साथ अच्छे से मैच कर रहे हैं। आपको ये कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये मैंने कुशन कवर लिए थे मेरे सोफ़ों के लिए, देखिए कितने प्यारे और कितना अच्छा कलर है इसका, पर्पल कलर के हैं, मेरे सोफ़ों के साथ एग्जैक्ट मैच करते हैं। तो पर मैं इसे थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग थोड़ा और डेकोरेट कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें हम लोग क्या लगा रहे हैं। ये देखिए ये मैंने सितारा लिया है, फ्लैट सितारा है, इसको मैं इसमें डेकोरेट करूँगी पूरा पूरा यहाँ पर फिल करूँगी मेरे कुशन कवर में ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो जब ये रेडी हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ रेडी होने के बाद ये कुशन कवर कैसे लग रहा है। अभी आप देख लीजिए ये प्लेन है, इस पर सिर्फ थ्रेड वर्क है, कोई भी सीक्वेंस वर्क नहीं हुआ है। अब आप रेडी होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये रेडी होने के बाद ये कैसे लगते हैं। देखिए ये मैं डेकोरेट करना स्टार्ट कर दी हूँ, इसको हाथ से बहुत इजीली हम लोग डेकोरेट कर सकते हैं, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे और पूरा डेकोरेशन भी साथ साथ में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे हम लोग को बहुत सारी एक्साइटमेंट है रमज़ान की, आप लोगों को भी होगी, आप लोग भी क्या क्या तैयारी कर रहे हैं मुझे इस ब्लॉग में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको इस रमज़ान को लेके क्या क्या तैयारियां हैं, आप क्या क्या डेकोरेशन कर रहे हैं और किस तरीके से आप आने वाला रमज़ान प्लान कर रहे हैं, तो वो ज़रूर मुझे बताइएगा। और तो मैं जल्दी जल्दी से फिनिश करती हूँ।
एक फ्लावर अभी रेडी हो गया है, इस पे मैंने सितारा लगा दिया है। अभी पूरे ऐसे ही करके पूरे मैं यहाँ पे लगाऊंगी, जिससे ये कुशन कवर और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरे हॉल में देखिए दो सोफा है, एक इधर वाली साइड जो फर्स्ट में आपको दिखा रही थी, एक ये दूसरी साइड है, उसी के लिए वो मैंने कुशन रेडी किए थे। तो अब मैं इसको सेट करूंगी और फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ सेटिंग के बाद। तो ये वाला मैंने सोफा कवर लिया है वाइट कलर का, क्योंकि ये पर्पल के साथ बहुत अच्छा लगता है। दूसरा सोफा भी मैं दिखाती हूँ जिसमें मैंने सीक्वेंस वर्क कंप्लीट किया है। और ये रहा मेरा दूसरा सोफा सेट, जिसपे देखिए मैंने कुशन कवर के साथ पूरा अच्छे से सेट कर दिया है। और ये रहे जो मैंने हैंड वर्क खुद से किया है यहाँ पे, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। इसका लुक ही चेंज हो गया ये सीक्वेंस लगा देने से, ये चमकी लगा देने से, और मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, जल्दी से लग गया ये। तो आप बताइए आपको ये कैसे लग रहे हैं मेरे सोफा सेट, स्पेशली ये कुशन जो मैंने खुद से बनाए हैं, आपको कैसे लग रहे हैं इसके लिए प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। और इस पे भी देखिए मैंने वाइट कलर का सोफ़ा कवर लगाया है, क्योंकि वाइट कलर पर्पल पे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे जैसे कि आपने देखे मेरे पर्पल कलर के सोफ़ा हैं, तो उस पे ये कितना अच्छा लुक आ रहा है। तो वन बाय वन मैं दिखा रही हूँ मैंने क्या क्या डेकोरेट किया है रमज़ान के लिए, क्या क्या तैयारी की है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, कौन सी चीज़ आपको मेरे डेकोरेशन में पसंद आई, आप प्लीज़ मुझे कमेंट। और मेरे घर की डेकोरेशन अच्छे से हो गई है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और चलिए आगे की पेंडिंग डेकोरेशन भी कम्प्लीट करती हूँ और मेरा ये व्लॉग भी कम्प्लीट करती हूँ। ये देखिए मेरी बेटी, बड़ी वाली बेटी मुझे हेल्प कर रही है डेकोरेशन में, और स्पेशली अपने बंक बेड के लिए जो पिंक लाइट इसने ली थी वो यहाँ पे डेकोरेट कर रही है, एक एक करके वन बाय वन टेप से लगा रही है। तो फाइनली ये दिखने में कैसे दिखेगा वो मैं आपको बाद में ही दिखा सकती हूँ, अभी मैं बस दिखा रही हूँ कि ऐसा हम लोग बेड पे डेकोरेट किए हैं। तो ये वाला स्टार्स और ये छोटा लाइट है, ये हम लोग यहाँ पे मेरे गार्डन के पास सराउंडिंग में बालकनी में लगाएंगे यहाँ पे, तो ये दिखने में अच्छा लगेगा। रात के वक्त हम लोग इसे ऑन करके रखेंगे तो ये और ज़्यादा ये हमारी बालकनी जो है और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो देखिए यहाँ पे बंक बेड पे हम लोगों ने लाइटिंग डेकोरेट कर दी है, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लाइन वाइज लेके, फिर इधर मैंने थोड़ा वॉल पे भी लगा दिया है एक। अब मैं आपको थोड़ा लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ कि इसका अंधेरे में कैसा लुक आ रहा है। तो ये देखिए अंधेरे में ये कितने अच्छे लग रहे हैं, पिंक रूम हो गया है, बच्चों का रूम है पिंक कलर का, ऑलरेडी ये बंक बेड भी पिंक कलर का था, अभी पूरा पिंक कलर से डेकोरेट हो गया है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है ये। तो आप भी चाहें तो अपने बच्चों के रूम में ऐसे लाइट छोटे लगा सकते हैं जो और अच्छे और खूबसूरत लगेंगे। तो देखिए जैसे कि ये पिंक रूम को हम लोग डेकोरेट किया था लाइट से, तो मेरी बेटी ने क्या किया है उस पे रमज़ान मुबारक के टैग भी लगा दिए हैं जो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं? ये एक तरह से क्रिएटिविटी भी होती है बच्चों की जो वो खुद से करते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। Thank you.
फ्रेंड्स, पूरे दिन भर की मेहनत के बाद अभी देखिए ये है रिजल्ट इसका। हमारी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट। मैं आपको लास्ट में दिखा रही हूँ यहाँ पे कैसा लुक आया है डेकोरेशन करने के बाद। ये मेरा यूटिलिटी एरिया है जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखिए अच्छे से यहाँ पे हम लोगों ने पूरा फ्लावर और हर चीज डेकोरेट कर दी है, और ये लाइट से और ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये चार चांद लग गए हैं। तो इस तरीके से मेरी रमजान की देखिए डेकोरेशन कंप्लीट हुई। आपको ये कैसी लग रही है आप जरूर बताइएगा मुझे। और ये देखिए ये बाहर का एरिया जो मैंने आपको दिखाया था गार्डन मेरा, ये वो भी मैंने अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। यहाँ पे भी वो स्टार्स मैंने पूरे लगा दिए हैं जो मैंने स्टोर से खरीदे थे। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। रात के वक्त जब हम ये ऑन करके रखेंगे तो रमज़ान में इसके वजह से मेरे घर में और ज़्यादा रौनक लगेगी और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये थी मेरी आज की पूरी कम्प्लीट डेकोरेशन फॉर रमज़ान। ये देखिए मैंने छोटी सी लाइटें ली थी, वो मैंने ऐसे प्लांट्स के साथ पूरा अटैच करके लगाई हैं जिससे मेरी बालकनी बहुत खूबसूरत लग रही है। आपको मेरा ये डेकोरेशन का व्लॉग कैसा लगा और आपको ये डेकोरेशन कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की तैयारी जो आपने देखी। हम लोगों ने सुबह पहले क्लीनिंग की, फिर उसके बाद हम लोगों ने वन बाय वन डेकोरेट किया। मैंने आपको दिखाया मैंने क्या क्या घर में डेकोरेट किया है, क्या क्या चेंजेस किए हैं। और जो डेकोरेशन मैंने दिखाई है, एक यूटिलिटी एरिया में हम लोगों ने डेकोरेट किया, एक हमारा बालकनी हम लोगों ने डेकोरेट किया लाइट से। तो आपको ये लाइटिंग और ये डेकोरेशन कैसा लगा आज मेरे घर का, और आपकी क्या तैयारी है रमजान को लेके, और आपने क्या क्या प्लान किया है रमजान को लेके मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो अभी के लिए मैं अपना ब्लॉग यही पेंड करती हूँ। फिर एक नए ब्लॉग के साथ नए वीडियो के साथ आपको मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और फिर से एक बार बोलूंगी रमजान मुबारक।